हेलो दोस्तों, अनमोल रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कच्चे पपीते की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो उसके लिए हमने लिए हुए हैं दो पपीते और दो मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। दो टमाटर लिए हुए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है, लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, यदि कलियों में जोड़े हैं तो 10 से 12 कली होंगी, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ। इन सारी चीज़ों की प्यूरी बना लेना है हमें, और पपीते को छीलकर एकदम छोटा छोटा काट लेना है। उसको आप अपने साइज के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। अब हमें पपीते को छील लेना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के पीसेस हमने बना रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पीस काट सकते हैं, छोटे बड़े आपको जैसा पसंद हो आप वैसा काट सकते हैं। हम मीडियम साइज के पीस काट रहे हैं इस तरह से, चौकोर चौकोर। ये देखिए दोस्तों, हमने सारा पपीता काट कर एकदम रेडी कर लिया है, बहुत अच्छे से धुलकर वॉश कर। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ओनली 1 टेबल स्पून, ताकि जो हमारा पपीता है वो हल्का सा रोस्ट हो जाए। आप इस मेथड से बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, ताकि जो पपीता है एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। कर लेना है, और फिर इसके बाद हमें 2 मिनट चलाने के बाद इसमें करना क्या है कि हमें 1 कप इसमें पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो सारा प्रोटीन से इसका निकल जाएगा। तो इसलिए हमें करना क्या है, ओनली 1 कप पानी ऐड करना है, और इसको हमें ढक देना है ताकि जो हमारा पपीता है एकदम सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम मसाले की तैयारी करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, 5 से 6 मिनट लगे हुए हैं हमारे पपीते को पकने में, मीडियम टू स्लो गैस पर। अब हम इसको हल्का सा दबा कर देख सकते हैं, ये हमारा पपीता एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम दबाएंगे, ये एकदम पक चुका है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। अब हम प्यूरी की तैयारी करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने लिया हुआ है 4 टेबल स्पून ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया हुआ है, 4 टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है। इसको हल्का सा हम गरम कर लेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये छोटी स्पून है, इसे 2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून राई ऐड करेंगे। इसका थोड़ा सा कड़क जाने देते हैं। जीरा थोड़ा सा कड़कने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यदि आपके यहाँ सबको पसंद है तो ही डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने जो बारीक बारीक रखी चॉप की प्याज रखी हुई थी, उसको डाल देना है। इसको हल्का गोल्डन, देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो प्याज है हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है। इसको हमने 3 मिनट मीडियम गैस पर सोटे किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि जो हमने प्यूरी में हरी मिर्च पीस ली है, इसीलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन, अदरक की प्यूरी बनाई थी। जो हमारी हरी मिर्ची का टेस्ट है ना, वो एकदम नेचुरली टेस्ट आता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। बस जरा हमें इसको 2 मिनट चला लेना है। देख सकते हैं हमारी प्यूरी का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून छोटे टेबल स्पून से हल्दी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सारे मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। देख सकते हैं हमारी
प्यूरी का कलर कितना अच्छा आ चुका है। बस इसको 2 मिनट इसी तरह हमें सौटे करना है। अब हमारा मसाला 2 से 3 मिनट के लिए हमने हल्का सा इसको भून लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें जो बॉइल करा हुआ हमारा पपीता रखा था उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह हमें इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी एकदम फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून और नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला, जो कि सब्जी का और ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देते हैं। यदि आपको हल्की ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो आप इसमें 1 कप के करीब पानी डाल सकते हैं, उससे भी सब्जी का टेस्ट बराबर रहेगा। बट हमारे यहाँ सूखी पसंद है तो इसको मैं इसी तरह से रखूँगी। तो 2 मिनट के लिए इसको ढक देना है ताकि जो हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। हमारी सब्जी एकदम फाइनली रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी सब्जी एकदम फाइनली रेडी हो चुकी है। कितना अच्छा सा कलर आया है। इस पपीते की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बच्चे बड़े बहुत अच्छे से खाते हैं। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इससे लहसुन प्याज स्किप करके भी आप बनाएंगे तो भी इस सब्जी का स्वाद बराबर ही रहेगा। बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बहुत होती है। अब हम गैस कर देंगे बंद और इसी तरह इसको ढक देंगे। बस ये हमारी फाइनली सब्जी बनकर एकदम रेडी।